बकौल मरियम साहिबा के खान साहब अगर अभी भी लड़ लें तो इसका मतलब ये कि सर क्या एस्टेब्लिशमेंट अब भी न्यूट्रल नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरतयाल ये है कि जो मरियम साहिबा ने बातें की वो मायनी खेज तो नहीं कह सकते, उन्होंने अच्छा। तो बड़े क्लियर जवाब दिए हैं। और हमारा तो डे वन से यही मौक़िफ़ है कि खान साहब निज़ाम के लाडले हैं। अगर खान साहब निज़ाम के लाडले ना होते तो फिर उनको पंजाब की हुकूमत वापस ना की हुकूमत जाती से बाहर निकाले जाने के बाद भी लाडले। और सिर्फ अभी तो ये जो खान साहब ने पूरे मुल्क में दुहाइयाँ दी हुई हैं, जो इंतशार फैलाया हुआ है, वो तो सिर्फ कहते हैं कि ये शहबाज शरीफ 25 किलोमीटर का वज़ीर आज़म है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर उनके जो गैर कानूनी गैर आइनी इक्तदार की मसनद है, मेरी गुजारिश सुन लेना, इक्तदार की मसनद जो है वो पंजाब पर फैली है, वो गिलगित बल्तिस्तान पर फैली है, वो केपीके पर फैली है, 25 किलोमीटर भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यहीं से अंदाजा कर लें कि उनका इस वक्त जो है मिजाज सर ये उनका मैंडेट है या उनको किसी ने दिया? आप कह रहे हैं ना पंजाब हुकूमत ना मिलती अगर लाड लेना होते तो। एक चीज नविश्ता दीवार है, एक चीज से हम कोई इनकार नहीं कर सकते कि 2018 का इलेक्शन इमरान अहमद नियाज़ी साहब को मैनेज करके दिया गया, चुरा के दिया गया, चुरा कर मैंडेट चुरा कर उनको इक्तदार के ऊपर बर्जमान किया पंजाब वाला भी। अच्छा मुझे ये बताएं, जब नवाज शरीफ साहब को हटाया गया, जिन केसों के ऊपर रोज टॉक शोज में बात होती है, वो जिस तरीका से मतलब हटाया गया, वो मेरे ये दोनों भाई बैठे हैं, माजी तो अच्छा खासा मालूम है ना, सभी को मालूम है। अब हाल की बात करें के लिए नहीं, अगर बात होगी तो बात फिर 2016 से शुरू होगी ना। मतलब है कि किस तरह से जनूबी पंजाब के सूबे बनाए गए, किस तरह से अकामा के ऊपर जेलों में बंद किया गया, किस तरह से जो है वो फिर अच्छा एक लफ्ज में बता सकते हैं खान साहब लाडले अभी भी इदारों के लाडले 100% लाडले। अच्छा अगर हमारा आज भी मुतालबा लेवल प्लेइंग फील्ड, देखें जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है तो उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन डे पे तो वोट चोरी ना करे। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि जो दानियाल अजीज, जो तलाल चौधरी, जो अपना यूसुफ रजा गिलानी के साथ सलूक हुआ, वही खान साहब के साथ होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड इसको कहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड इसको कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में खान साहब को भी एहतसाब के क्राइटेरिया में उसी तरह अदालत का सहका कहना कि वो किस केस को किस तरह से लेकर चलते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है कि खान साहब पाकिस्तान में बैठे हो और फरा गोगी दुबई में बैठी हो, माजरत के साथ ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। सही है।